इसी तरह से ये हमारा एक मीटर का टैग हुआ करता था। मीटर के टैग के अंदर मैंने आपको बताया था कि आप हमेशा इसकी लो वैल्यू दे सकते थे कि लो वैल्यू 1 है, और इसकी हाई वैल्यू दे सकते थे कि हाई वैल्यू 10 है, इसकी वैल्यू दे सकते थे कि इसकी वैल्यू 5 है। तो मैं इसको कंट्रोल F5 करके खोलता हूँ तो ये आपके सामने एक मीटर का टैग आ गया, और ये मीटर के टैग के अंदर ये वैल्यू फुल आ रही है क्योंकि अभी मैंने कुछ इसमें मिस्टेक की है। तो मैं वैल्यू को इसको क्योंकि ये 1 के रेंज में इसको काउंट करता है तो मैं 0.1 करता हूँ। इसको हाई को मैं कहता हूँ 1 कह देता हूँ, और मैं इसको लो को 0.1 कह देता हूँ। तो ये हमारे सामने एक मीटर का टैग आ गया है, और ये मीटर आपको पता है 1 में काउंट करता है, तो ये इसने बता दिया। चलिए एक काम करते हैं, लो को हम 0.3 कह देते हैं, और ये जो वैल्यू है इसको मैं लेके जाता हूँ 2 के ऊपर। तो इसको मैं कंट्रोल F5 करता हूँ तो ये देखें हमारा जो पहले ग्रीन बटन आ रहा था वो अब ग्रीन नहीं आ रहा, वो येलो सा कलर आ रहा है। मतलब ये है कि इसमें ऑप्टिमल ये बिल्कुल ग्रीन नहीं है, अभी हमारा लो हो चुकी है लेवल, तो उसने कलर उसका चेंज कर दिया है। लेकिन इसके अंदर एक और बटन होता है जो ये लो और हाई के अलावा, उसको हम कहते हैं ऑप्टिमम पॉइंट जो है वो इंडिकेट करता है कि ये ऑप्टिमम पॉइंट है हमारा। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम 0.5 कह देते हैं कि ऑप्टिमम पॉइंट है। तो अभी आप इसको कंट्रोल F5 करेंगे तो ये कुछ भी नहीं होगा। अभी इसको आप क्लोज करें, और ये जो वैल्यू है जिसके अंदर जिससे चेंज होना है, अगर मैं उसको 0.5 पे लेके जाता हूँ जो कि हमारा ऑप्टिमम पॉइंट है, कंट्रोल F5 करता हूँ, तो ये अगर आप इसको देखेंगे तो ये शो करेगा। तो ये सिर्फ शो करने के लिए होता है कि ये हमारा ऑप्टिमम पॉइंट।